लखनऊ के लुलू मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे करनी सेना के सदस्यों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। शनिवार को करनी सेना और राष्ट्र हिंदू संरक्षक दल के कार्यकर्ता भगवा ध्वज लेकर और जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते हुए मॉल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर पुलिस ने उनको रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ता मॉल के बाहर ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। पुलिस ने लाठियां फटकार कर उन्हें खदेड़ दिया तो कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने मॉल के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है और मॉल की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। राज्य हिंदू संरक्षक दल के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा ने शनिवार को 1 बजे 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ लुलू मॉल पहुंच गए। वे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे, पर पुलिस ने उन्हें मॉल के बाहर ही रोक दिया। आदित्य ने कहा है कि जब मॉल के अंदर नमाज हो सकती है तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, हमें अंदर जाने दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।